Sir, can I say something? Sir, isi point pe ek preserve important hai sir, zaruri hai. Bas ho gaya. Assalamualaikum. So I hope you all having a wonderful day. And my name is Ahmed Afandi. और मैं आपका खादम मुनव्वर सादक, Bigg Boss 13. लो जी, इस हफ्ते मेकर्स ने अपनी भरपूर कोशिश शुरू कर दी है अपनी मर्जी के बंदों को ऊपर लाने के लिए, सिद्धार्थ को बिला शिरकत गैरे जितवाने के लिए, आरती को साथ जबरदस्ती जोड़ने के लिए, आसम को गंदा करने के लिए, मायरा को अच्छा दिखाने के लिए. तो जनाब, पब्लिक का माइंड सेटअप बनाने की अब तो सर तोड़ जो है ना कोशिशें की जा रही हैं, और इसलिए उन्होंने बाहर से कुछ बंदे जो है वो अंदर भेजे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक शादी वाला घर है और अंदर वो बंदे सारे इकट्ठे हो गए हैं. कलर टीवी ने अपने आर्टिस्टों की भरपूर जो है वो एक प्रमोशन अंदर किया है, नुमाइश किया है, उनके लिए शो अप किया है. लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है पब्लिक को कि शो के इस आखिरी सेट पर, इन आखिरी हफ्तों में सिद्धार्थ को बिला शिरकत गैरे जितवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है. बिग बॉस ने यहाँ तक हद कर दिया कि अपना रूल बदल दिया है. उसने कहा था कि अब कोई भी इम्यूनिटी टास्क जो है ना वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपना रूल बदल कर उसके लिए, सिद्धार्थ के लिए, उसको दोबारा एक टास्क के ज़रिए ज़बरदस्ती की नंबरिंग दिलवा कर उसे इलीट के क्लब का मेंबर बना दिया गया है. तो हमें एक और बात पर भी हैरत हुई कि सलमान खान, किंग खान साहब, ये कह रहे हैं कि मैं ये शो दो दफ़ा देखकर तैयारी करके फिर आता हूँ. तो सलमान भाई, आप इतने बड़े ग्रेट एक्टर, और आपके पास इतना टाइम फारग होता है कि आप हमें इतना बेवकूफ़, ये छोटे सा बच्चा भी ये कहता है कि इतने बड़े अंकल जो हैं वो इतनी छोटे से एक प्रोग्राम के लिए इतनी तैयारी करके नहीं आ सकते, तो प्लीज़ ऐसी बातें ना कीजिए किया कीजिए. और चले, अगर आपकी बात मान भी लें कि आप दो दफ़ा शो देख कर आते हैं, तो क्या आप पूरे प्रोग्राम में सिद्धार्थ, पारस और माहिरा को देखकर क्या आप तंग नहीं होते? माहिरा को देखकर तो लोग अब अपने सेट म्यूट कर लेते हैं, उसकी आवाज़ जो है कानों में ना जाए, बीमारी टीवी की आवाज़ वो बंद कर लेते हैं. आप माहिरा को जितवाने की क्यों नाकाम कोशिश कर रहे हैं? माहिरा इस शो में इरिटेटिंग किरदार में है, पारस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है उसके साथ ही जुड़ के. पारस अच्छा साबित हो सकता था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल फ्लॉप है और बदतमीज़ी में आ रहे हैं ये दोनों. तो म्यूज़िकल जो एक चेयर का एक टास्क था, उसमें भी माहिरा ने आखिर में वो देख के भाग के वो आखिरी चेयर पे बैठी थी, जबकि विशाल बैठ चुका था, वो शरीफ आदमी फिर खड़ा हो गया और आपने माहिरा को जितवा दिया. माहिरा ने बदतमीज़ी के हर हद जो है वो बहरहाल पलांग ली है. और कप्तान तो आपने सिद्धार्थ को चले बनवा दिया जी, तो माहिरा उसको ड्यूटियां जो है वो समझा रही है कि फलां की ये ड्यूटी लगाओ, फलां की ये ड्यूटी लगाओ. और विशाल ने अगर किसी एक ड्यूटी से, बर्तन धोने की ड्यूटी से अगर आपको इनकार किया, तो आपने बजाय उसे आराम से समझाने के उसे डांटा, और कैप्टन साहब ने क्लियर कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है मैं उनकी आसान ड्यूटियाँ लगाऊँगा. और इंतहाई बदतमीज़ी से विशाल को जो है वो पेश आए, ओवर एक्टिंग लग रही थी. और सिद्धार्थ इस वक्त मुकम्मल ओवर एक्टिंग कर रहा है कि मैं वो, जब से उसको कहा गया कि तुम अग्रेशन ना शो करो, तो भाई अग्रेसिव ना अगर तुम नज़र आओगे तो क्या इस तरह पागल नज़र आओगे? कभी शिफाली की गोदी में बच्चा बनने की तरह रो रहा है, कभी कुछ है, ओवर एक्टिंग है ना, ये आपका किरदार तो नज़र ही नहीं आ रहा ना इसमें कहीं भी. तो शो के इस आखिरी दिनों में तो हमारी राय यही है कि सिद्धार्थ जो है वो अब मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आ रहे हैं.
और आरती को भी ऊपर लाने की कोशिश में वो जो कश्मीरा अंदर आई है वो भी शहनाज ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि एक गुंडा टच लेके आई है। नज़र आ रहा है कि उसने अंदर आके जो एक पॉपुलर जोड़ी थी सिद्ध और शहनाज की, उसने उसको मुकम्मल तौर पर कहा कि ये ख़त्म हो चुका है और ये फेक नाज अब है। जबकि बिग बॉस ने क्लियर तौर पर ये कहा था कि बाहर से आने वाले मेहमान जो हैं वो बाहर की बातें नहीं बताएंगे, तो ये बाहर की बातें ही हैं ना कि आप बता रहे हैं कि अब आप सिड नाज नहीं बल्कि फेक नाज हो, मतलब अपना कोई नई गेम बनाओ। हाँ। उनको हिंट्स दे देते हैं और आसिम को कोई हिंट नहीं मिलती। हाँ, और उधर से विकास गुप्ता को फिर आप अंदर ले आए हैं, रईस ही कसर शिफाली जो शुक्र अल्लाह करके गई थी उसको वो भी वापस आ ले आए हैं। आपने कहा, बिग बॉस ने कहा, हमें बड़ी खुशी हुई है, जो शहनाज पे बड़ा मज़ा आया जब उसने ये कहा, हमें तो ज़रा भी खुशी नहीं हुई क्योंकि अल्लाह करके एक से जान छूटी थी रिटीटिंग आवाज़ से, वो फिर आप ले आए। विकास गुप्ता शहनाज को गुमराह करते हैं कि तुम जो है सिद्ध के साथ रहा करो, वो बड़ा सच्चा बंदा है, वो ठीक कहता है, वो जो कहता है उसकी बात माना करो। और आसम को बिला वजह नाम लेकर उसने कहा कि वो गालियाँ देता है, उसके पास मत बैठा करो, वो गलत आदमी है। वैसे शहनाज है भी इसी लायक क्योंकि वो इतना अच्छा खेल कर अभी भी वो खुद को सिद्धार्थ की मोहताज समझती है। पता नहीं क्यों हर बंदा जो भी उसे ये गुमराह करता, और वो मुकम्मल तौर पर गुमराही में आ गई है, और इतना जलील होने के बाद भी वो सिद्धार्थ के पीछे पीछे फ़कीरों की तरह फिरती है। अपनी इज्जत नफ्स बिल्कुल उसने ख़त्म कर दी हुई है और हर तरह के बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रही है वो सिद्धार्थ के लिए, कि शायद ये मैं इसके साथ अगर ना रही तो मैं फारग हूँ। हालांकि उसके भाई शहबाज ने उसे कहा भी कि तुम बिल्कुल भी सिद्ध की मोहताज नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों सिद्ध वो बिल्कुल ही इस गेम को नहीं समझ रही। सिद्ध ने ठीक ही कहा था कि जो फैमिली की नहीं हो सकी तो वो मेरी क्या होगी। तो मेन जो हमें नज़र आ रहा है ना कि मेकर्स और मेहमान सब मिलकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गेम में इस वक्त जो नंबर वन शख्सियत नज़र आ रही है आसम, उसको गंदा करने की कोशिश में ये सारे लोग मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं कि आसम पोक करता है, इस बात को प्रूव कर रहे हैं। सलमान खान साहब ने भी इस दफ़ा उसको बिला वजह डांटा और उसका तारफ में ये भी कहा कि ये देखो ये गालियाँ बकता है। एक बात नहीं समझ आई, जो बिल्कुल एक बेरब्त सा जुमला सलमान खान साहब ने इस दफ़ा स्टेज पे कहा था कि आसिम तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है और तुम परफॉर्म कहाँ पे कर रहे हो, इस जुमले ने हम सबको चौंका दिया। हमें इस जुमले का कोई सर पैर समझ नहीं आया, कोई रब्त नज़र नहीं आया, ना मतलब समझ आया, हाँ किसी को भी समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी साहब को ये बात समझ आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि इस जुमले का क्या मतलब था, ये हम इस पे बात भी नहीं करते। तो हिमांशी को भी अंदर भेजा गया आसम को गुमराह करने की ये साजिश लग रही है, तो मेन कंसंट्रेशन जो है वो उसका गेम से हटा कर उसको भी वर्गलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर भी अंदर एक बात आ रही है कि जी हिमांशी के साथ वो दोस्ती कर रहा है, उसकी वजह से मांछी की वो मंगनी या जो भी टूटा था। और एक अब एक नया इन्होंने स्कैंडल बनाया है, विकास ने आके कि ये अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा है आसिम, हालांकि वो फ्रेंड है उसकी। बस उसके भाई ने ये साफ क्लियर कहा है कि भाई मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ से पता लग गया उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका भाई हूँ, पूरी दुनिया में जो उसको जानते हैं उन्हें तो उसकी गर्लफ्रेंड कोई नहीं नज़र आ रही, तो तुमने ये उसको गंदा करने की ये हमला क्यों किया अंदर। तो यही नज़र आ रहा है कि उसको एक दो तरह से गंदा किया जा रहा है, एक तो ये जी कि अपनी एक कोई बाहर गर्लफ्रेंड छोड़कर अंदर हिमांशी से दोस्ती कर रहा है, दूसरा गंदा किया जा रहा है कि हिमांशी की जो मंगनी है इसकी वजह से टूटी, जबकि हिमांशी ने अंदर आते ही कहा था कौन सा मंगनी, मेरी कोई शादी या मंगनी नहीं होने वाली थी। अभी तो लगता है कि शायद ये उनकी हिमांशी और आसम की भी लड़ाई करवा कर मज़ीद आसम को गंदा करेंगे। बिग बॉस कहते हैं कि जी अब लास्ट हफ्तों में उल्लंघन की इजाज़त नहीं होगी, बड़ा सज़ा मिलेगी, ये होगा। तो भाई 3 माह 3.5 माह में उल्लंघन कहाँ गया था, इस दफ़ा तो बिग बॉस एक खिलौना बन गया था आप लोगों के, ये जो बड़े एक्टर्स जो आपके साथ कर रहे थे, अब आपको उल्लंघन याद आ गया, जबकि उल्लंघन आपने किया, सिद्धार्थ
को लीड क्लब का मेंबर बनवाने के लिए आपने जनाब दोबारा टास्क दिया, ये भी उल्लंघन था। सिद्धार्थ नहीं सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करता, सिद्धार्थ भी नॉमिनेशन के बारे में प्लानिंग करते हैं। और वीडियो किसकी दिखाई थी? आसिम की वीडियो दिखाई थी, मतलब सिर्फ आसिम ही प्लानिंग करते। देखें जी, आसिम की और उनकी बातों की मामूली सी आपने खुद उल्लंघन करके ये चीज़ दिखाई। आपको तो नहीं चाहिए था ना कि उनको एक्सपोज करते बाकियों के सामने और उनको गंदा करते, क्योंकि फिर करना ही था तो फिर, दोनों फिर उनकी बातें भी दिखाते। जितनी वो बातें करते हैं वो तो नहीं करते आसम वगैरह, ये बातें तो थोड़ी सी की थी कभी। अगर वो बातें को थोड़ी सी हो गई और वो भी गलत वे में इतने नहीं थी, तो आपने वो दिखा के उन्हें गंदा करने की कोशिश की। और पारस वगैरह और जो सिद्धार्थ बाकायदा उनको प्लानिंग करता है और आर्डर देता है कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है तो हम जीतेंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो फिर आसम को गंदा आप कर रहे हैं ना, तो हमें कहने दीजिए कि आप पार्शली काम कर रहे हैं। और इस जब इस ये चीज़ दिखाई गई तो उसके बाद क्या आपने नहीं देखा कि पारस ने कितनी बदतमीज़ी से और बदमाशी से उठ के कहा था कि मैं तुम्हें फाड़ दूंगा ऊपर से नीचे तक पूरे का पूरा, यही जुमला कहा था ना कि मैं अपनी आई पर आ गया तो मैं ऊपर से नीचे तक तुम्हें फाड़ दूंगा। तो ये जुमले लाइव शो में कहने वाले तो नहीं है, बुरी बात है। विशाल बेचारा मायरा से डर जाता है, वो इतनी बदतमीज़ी करती है उसे, तो वो बेचारा चुप कर जाता है। शुक्र है कि वो अभी रश्मि जो है वो दलेर किरदार है, हम शुरू से उसके फ़ैन हैं। उसने पारस को डांटा था, उसने कहा तो तुम हो कौन कि मुझे तुम ऑर्डर सुनाओ, और तुम ये तुम्हारा घर है या तुम्हारे ही मैं शो पर आई हुई हूँ, अपनी औकात में रहो। तो एक रश्मि या आसम ही है जो उनको जवाब दे देते हैं। विशाल बेचारा कुछ डरा डरा सा हमें नज़र आता है। तो इस वक्त जनाब हमारे राय के मुताबिक जो किरदार वाइज सबसे ऊपर है वो आसम रियाज है। गंदा करने की कोशिश मत करें उसे, अगर आपने अपना ये शो वाकई सच्चा दिखाना है तो वो एक नंबर है। उसके बाद अब आपकी मर्ज़ी है कि हमें तो रश्मि भी अच्छी लग रही है कि वो उसका भी किरदार सॉलिड है। आपने उसे अरहान और ये और वो और बार बार उसकी निजी ज़िंदगी दिखा के उसको ड्रामा बनाया हुआ है, लेकिन उसका किरदार बड़ा मजबूत किरदार की मालक लगती है वो। तीसरे नंबर पे अब हमें तो इनमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा। आरती को अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं आई कि मैंने करना क्या है। यकीन माने कि आरती का किरदार समझ ही नहीं आ रहा, कभी वो मासूम किरदार में आ रही है, कभी वो वैम्प किरदार में है कि आग लगाना और ये लगाना, और कभी बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है उसको कन्फ्यूज़ है आरती। तो उसका किरदार जो है वो बड़ा ही आमियाना सा किरदार है। सिद्धार्थ और जो ये शहनाज हैं ये अच्छे हो सकते थे, लेकिन इनको ज़बरदस्ती की जो एक ओवर एक्टिंग में आपने डाल दिया, तो अब ये शो के इन आखिरी दिनों में ये उनके बराबर खड़े नहीं हो सकते किरदार वाइज। अगर आपने एक ड्रामा बनाना है तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बाप बेटा इसमें कोई भी जनरेशन आपका साथ नहीं दे सकती सिवाय देख के खुश होने के कि ठीक है जी एक ड्रामा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब, देखते हैं आगे। ये जो साहब अंदर आए हैं इसमें शहबाज एक मज़े का किरदार आया अंदर, शहनाज का भाई, तो लगता है कि वो अंदर उलझेगा लोगों से। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जब आएंगे आपसे। तो अगर आपको हमारी ये चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। पीस फॉर ऑल।